वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे होगा या नहीं, इस पर जिला अदालत का फैसला आ जाएगा। इसके साथ कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा बदले जाएंगे या नहीं, इस पर भी फैसला आएगा। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने अपनी अर्जी में कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। वहीं वादी पक्ष के वकील ने कोर्ट कमिश्नर का बचाव किया था। कल कोर्ट ने तीनों पक्षों की दलील सुनते हुए गुरुवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी का ज्ञानवापी मामला 18 अगस्त 2021 को उस वक्त शुरू हुआ जब वहां की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गई थीं। वादी पक्ष का कहना है कि परिसर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। वादी पक्ष ने कोर्ट से मांग की है कि इंतजामिया कमेटी इन मूर्तियों को नुकसान न पहुंचाए और उनको दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए। इस मांग के बाद कोर्ट ने जाँच कमिश्नर की नियुक्ति की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भरूच में होने वाले उत्कर्ष समारोह को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस समारोह का आयोजन राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य के पूरा होने के अवसर पर किया गया है। इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक विधवाओं, वृद्धजनों और असहाय लोगों को मदद पहुंचाने वाली योजनाओं का 100% लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से उत्कर्ष पहल अभियान चलाया गया था। पंजाब की सत्ता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में भी जोर लगा रही है। इसी अभियान में राजकोट दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो उनकी सरकार ने लोगों की जिंदगी बदल दी। दिल्ली की बदली तस्वीर देख पंजाब के लोगों ने मौका दिया और गुजरात की जनता भी उन्हें मौका देने के लिए तैयार दिखती है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई कानूनी विशेषज्ञों से बात की। शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और कोर्ट से फिर आग्रह करेंगे कि राज्य में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और 3 मैगजीन बरामद की गई है। इसके अलावा 2 आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा अनंतनाग के एक गाँव में छिपे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर DRI ने 55 किलो हेरोइन की बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 434 करोड़ है। हेरोइन की इतनी बड़ी खेप युगांडा से एयर कार्गो के जरिए 126 ट्रॉली बैग्स में छिपा कर लाई जा रही थी। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा में मिले 7 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए शख्स से पूछताछ के बाद DRI को इस बड़ी खेप के आने के बारे में सूचना मिली थी। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में कल एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली के एक ड्राई फ्रूट कारोबारी और इम्पोर्टर को चांदनी चौक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स का नाम राजेंद्र शर्मा है, जो मूल रूप से राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। आरोपी ड्राई फ्रूट और जड़ी बूटी सुपारी मुलाठी मटेरियल अफगानिस्तान से भारत मंगवाता था, जिसमें ड्रग्स होते थे। इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। केंद्रीय लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कल दिल्ली में निफ्ट में खादी के लिए पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर नारायण राणे ने कहा कि खादी हमारी पहचान है, बदलते वक्त के मुताबिक खादी को और ज्यादा आकर्षक डिजाइन में पेश करने की जरूरत है। इस मौके पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन के खादी के कई ड्रेस लगाए गए थे। टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि निफ्ट के जरिए खादी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने में मदद मिलेगी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।